हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे लॉर्ड्स कृष्णा पेंटिंग, हाउ टू ड्रॉ लॉर्ड्स कृष्णा पेंटिंग विद अ पेंसिल कलर। जैसे कि आप देख रहे हैं, लाइट ब्लू और डार्क ब्लू का यूज़ किया है मोर का पंख बनाने के लिए, और फिर उसके बाद हम येलो यूज़ कर रहे हैं। जिस तरीके से इस वीडियो में आपको कलर यूज़ किया जा रहा है, आप उससे वही कलर यूज़ कीजिए, एक रियल जो रियलिस्टिक लुक आता है वो आएगा। तो हम लाइट ग्रीन यूज़ कर रहे हैं, फिर उसके बाद डार्क ग्रीन, और उसके बाद एक और डार्क ग्रीन यूज़ करेंगे। ये हम डार्क चॉकलेट यूज़ कर रहे हैं। कलर्स के जो भी जितने भी कलर्स मैंने यूज़ किए हैं, अगर आपको चाहिए रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको कलर्स बता दूँगी, या तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूँगी इसको। सो जैसे कि आप देख रहे हैं, डार्क चॉकलेटी और लाइट चॉकलेटी और ब्लैक कलर इसमें यूज़ किया मैंने, जो हेयर को थोड़ा रियलिस्टिक लुक दे। और हम फेस ड्रॉ करने जा रहे हैं, तो यहाँ फेस के लिए स्काई ब्लू लगेगा। आप पहले लाइट ही यूज़ कीजिए स्काई ब्लू को, जितना आप लाइट कर सकते हैं, उससे आपको जो थोड़े एरियाज़ जो डार्क एरियाज़ हैं उसको आपको कवर करने में आसानी होगी। आप डायरेक्ट एक बार कलर कर दोगे तो आपको जो फेस का जो शेप होता है, और जो एक जहाँ पर डार्क एरिया होता है, फिर उसको आप डार्क नहीं कर सकते और वो लुक अलग आता है। तो आप पहले एक एक लेयर और धीरे धीरे डार्क कीजिए ड्राइंग को। जैसे कि आप देख रहे हैं, उसमें हल्का लाइट, फिर उसके बाद हल्का हल्का लाइट लाइट, और फिर उसके बाद पेन। अभी आप देख सकते हैं आईज़ को भी मैंने पहले लाइट पेंसिल अप्लाई की, फिर उसके बाद उसी पेंसिल को थोड़ा डार्क कर दिया। तो ड्राइंग कभी भी आप अगर बना रहे हो, और अगर आप बिगिनर्स हैं, तो आपको धीरे धीरे लाइट से लेके डार्क पर जाना चाहिए। फ़ोटो के अकॉर्डिंग जैसे कि आप डार्क देख रहे हो, तो आप डायरेक्ट डार्क बनाने जाओगे तो आपकी ड्राइंग ख़राब हो जाएगी। तो अगर आप किसी पेंटिंग को या फिर किसी फ़ोटोज़ को देख के अगर आप ड्राइंग बनाते हो, तो कोशिश कीजिए कि उसे लाइट रखिए, उसके बाद आप धीरे धीरे आप उसमें डार्क शेड कलर कर सकते हो। एक बार आप लाइटली ड्रॉ कर लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि इतना ये एरिया इतना है और इसको कैसे करना है, तो आप उसके बाद फिर डार्क शेड डाल सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो पेंसिल का, मैंने सिर्फ आईज़ बनाई थी, और उसके जो आईब्रोज़ वगैरह ऊपर के आईलैशेस वगैरह थे वो मैंने देखी आप कैसे बाद में मैंने बनाए, सिर्फ आईज़ बनाई थी ड्राइंग के टाइम। सो आप देख सकते हैं, और डार्क इसीलिए कहते हैं कि पहले लाइट यूज़ कीजिए, जिससे आपको एक अंदाज़ा पता चल जाता है कि आपको ड्राइंग आपकी ड्राइंग कैसी बन रही है, और आप कौन इस ड्राइंग को क्या एग्जैक्टली क्या कलर देना चाहते हो। सो अगर आप पहले ही डार्क कर दोगे तो फिर वो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, और आप उसे फिर सही भी नहीं कर सकते। ऐसे देखिए, जैसे यहाँ पर इनके जिम के पास थोड़ा सा डार्क एरिया है, और एक तो उस डार्क एरिया के लिए स्काई ब्लू और थोड़ा सा डार्क ब्लू यूज़ किया है। इन्हीं सब जगहों की वजह से आपको डार्क फेस मोस्टली फेस पे कोई भी एक बार में कलर नहीं लगता, क्योंकि आप चाहे वाटर कलर यूज़ करो, चाहे पेंसिल कलर यूज़ करो, या फिर चाहे पेंसिल ड्राइंग कलर यूज़ करो, आपको फेस की शेडिंग देने के लिए पहले लाइट फिर डार्क जाना पड़ता है, ये रूल होता है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे और जो हाथ में इन्होंने पहने हैं, जो भी गहने और जेवरात जो इस फोटो के अकॉर्डिंग जो भी मुझे इसमें लगा मैंने वो यूज़ किया, तो गोल्डन कलर मेरे पास नहीं था, तो मैंने उसकी जगह पे येलो यूज़ किया, तो ये भी अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे करना है, और जो डार्क एरियाज़ को हल्का, या तो आप हल्का ब्लैक यूज़ कीजिए या तो ब्लू यूज़ कीजिए,
बट मेरा ये सजेशन है कि आप अगर शुरुआत में हैं तो आप ब्लैक ना यूज़ करके डार्क ब्लू यूज़ कीजिए, जिससे आपको कवर करने में आसानी होगी। आप जैसे देख सकते हैं, और पेंसिल कलर की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप आपकी कमांड होती है उसके ऊपर। और अगर आप यही अगर आप वाटर कलर की बात करें तो उसमें एक ऐसा होता है कि आप कलर सूखने के बाद अलग दिखता है, बट पेंसिल कलर में जो आप बना रहे हो वही शेड होता है। आप जितना लाइट रखोगे जितना डार्क रखोगे वो वही दिखता है। हम देख सकते हैं कि कितना कितनी क्यूट ड्राइंग बनी है ये। पेंसिल को ना एकदम हल्के हाथों से पकड़िए, जिससे कि आपको उसको पेंसिल को मूव करने में आसानी पड़े और ब्लेंडिंग कर रहे वक्त आसानी पड़े। आप इस वीडियो के अकॉर्डिंग ड्राइंग बना सकते हैं, जैसे कि इसमें दिख रहा है। सो और जो इसमें जो ये ज्वेलरीज वगैरह मैंने बनाई है वो इस जिस फोटो को देख के बनाई है, एक्चुअली उसमें नहीं था, बट मैंने मुझे थोड़ा सा कलर ऐड करना था और मेरे पास लिमिटेड कलर थे, तो मैंने सिर्फ ग्रीन येलो और रेड कलर यूज़ किया। और बिकॉज नीचे बैकग्राउंड में ब्लू होने की वजह से वो बाकी कलर जो लाइट कलर थे वो लग नहीं रहते, तो मैंने इसलिए इस पर रेड एंड ग्रीन कलर यूज़ किया है जो उनके जेवरात हैं। और जो उनकी माला है जहाँ पे सफ़ेद रंग है वहाँ पर मैंने वॉल कलर यूज़ किया है। अब अगर पेशेंट के साथ बनाएंगे तो ये ड्राइंग काफ़ी अच्छी बनेगी, और ये ड्राइंग बनाने के लिए मुझे 2 दिन लगे। तो क्योंकि इसमें क्या है कि आपको पूरा मोस्टली आपको ब्लू कलर का ही काम है इसमें, अगर आपको कोई किसी और ब्लू कलर से ही पूरा शेड देना है तो एक कलर से शेड देना है। और उसके बाद पेंसिल कलर का क्या होता है कि अगर आपको उसमें कुछ बनाना हो उस कलर के ऊपर तो वो शेड का कलर नहीं निकल के आता है, इसलिए तो उस जगह को मैंने खाली छोड़ा हुआ था। जैसे कि आप माला वाला को देख रहे थे, यहाँ पर मैंने वाइट जेल वाली पेंसिल ली है, वाइट जेल पेंसिल, ये काफ़ी अच्छी होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मुझे ये ड्राइंग जब इनकी मैं माला बना रही थी मुझे ध्यान नहीं आया कि ये भी है मेरे पास, और उसके बाद जब मुझे पता चला तो मैंने इसे यूज़ किया और इसका काफ़ी क्विक रिजल्ट मिलता है, काफ़ी अच्छी भी है। और आप इसे वाटर कलर पे भी और पेंसिल कलर पे भी कहीं भी यूज़ कर सकते हो, और ये बहुत अच्छी फिनिशिंग लुक देती है और बहुत सही देती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ड्राइंग कैसी बनी है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग मी, कीप शेयरिंग माई वीडियो। थैंक यू।